हेलो दोस्तों, तो ये संभावित है कि जब आपको हेयर लॉस होता है तो आप इंटरनेट सर्च करते हो और आप यूट्यूब पे जाते हो या कहीं और जाते हो और आप जानना चाहते हो कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा कैसे होगा, लेकिन जो टर्म्स वहाँ यूज हो रही है वो आपको समझ नहीं आती क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से तो हो नहीं। जैसे कि ग्रेडिंग, भाई ये ग्रेड वन है, ये ग्रेड टू है भाई, ये ग्रेड फाइव, ग्रेड सिक्स, ये हेयरलाइन है, ये टेम्पल पॉइंट है, ये क्राउन है, ये वर्टेक्स है, आपको कुछ समझ नहीं आता, आप भौंचक्के हो जाते हैं। तो इसीलिए आपकी सुविधा के लिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि आपको समझ आए, बेसिक समझ आए। बाकी मैं बाकी वीडियोस में समझाऊंगा जब मैं एक एक करके ये टर्म्स कवर करूंगा। तो इस वीडियो का मकसद है आपको समझाना कि ग्रेडिंग क्या होती है। अगर आप ग्रेडिंग के बारे में और आपका कौन सा ग्रेड है बॉल्डिंग का, गंजेपन का, आप समझना चाहते हैं तो स्टे ऑन। एंड मीन टाइम अगर आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है फ्रीक्वेंट अपडेट्स के लिए जो कि रिलायबल हैं हेयर लॉस और हेयर ट्रीटमेंट्स के बारे में, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो वेलकम। तो हेयर लाइन जो है वो कई भागों में बटी होती है। हेयर लाइन आपके माथे के ऊपर से शुरू होती है जो कि अगर ग्रेड वन है तो वो नॉर्मल समझी जाती है। ग्रेड वन हेयरलाइन क्या है कि ग्रेड वन हेयरलाइन थोड़ी लो होती है जो कि आपकी किशोर अवस्था में आपके जो भौं है उसकी सबसे ऊपर वाली क्रीज, जिसको शिकन भी कहा जाता है, सबसे ऊपर वाली शिकन वहां पे बेस्ड होती है। जो किशोर अवस्था की हेयरलाइन है काफी बार इनडिस्टिंग्विशेबल होती है, उसको उसका फीमेल हेयरलाइन से ज्यादा अंतर नहीं होता क्योंकि उसमें फ्रंटल रिसेशन जो कि साइड से बाल पीछे जाते हैं एम शेप पैटर्न उसमें नहीं होता, उसमें हार्ट शेप पैटर्न होता है जो कि फीमेल हेयरलाइन का होता है, मतलब माथे से गोल हेयरलाइन। तो इसको ग्रेड वन या टाइप वन नॉर्वुड स्केल हेयरलाइन कहते हैं। इसमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता, आपकी किशोर अवस्था की निशानी है। इसमें अभी जेंडर असाइनमेंट नहीं हुई, जो मेल जेंडर है उसकी डेफिनेशन ग्रेड टू में ही होती है। ग्रेड टू में आप देखोगे कि थोड़ा सा हेयरलाइन पीछे को जाती है, इसको रिसेशन कहते हैं, कई लोग इसको एम पैटर्न भी कहते हैं। तो कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आम हेयर ट्रांसप्लांट में सिर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती हैं? ये है एक तो हेयरलाइन। हेयरलाइन के दो तीन हिस्से होते हैं, एक तो फ्रंटल टफ्ट जो कि बीच वाले बाल, जिसको कभी कभी लोग विडोज पीक भी कहते हैं। फिर फ्रंटो टेम्पोरल एंगल, ये फ्रंटो टेम्पोरल एंगल होता है जहां से कि एम शेप डिफाइन होता है। और फिर जब आप अपने माथे के साइड में जाते हो तो वहां पे आपका चेहरा फ्रेम होता है टेम्पल ट्राइंगल से, तो ये एरिया को टेम्पल ट्राइंगल कहा जाता है। टाइप टू में जो आपकी जो शिकन है, जो माथे की सबसे ऊपर वाली शिकन है, उससे हेयरलाइन 2 सेंटीमीटर हटके या एक फिंगर ब्रेथ, मतलब एक आपकी जो उंगली है उसकी थिकनेस के बराबर, वो अपर ऊपर वाली शिकन से पीछे हेयरलाइन चली जाती है। ये हेयरलाइन नॉर्मल मानी जाती है। इस हेयरलाइन में जनरली हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता, ये आपके मेल जेंडर का डिफाइनिंग पॉइंट है। पर अगर ये रिसेशन साइड से पीछे चले जाए, काफी प्रकट होती है और आपको इससे थोड़ी परेशानी होती है, तो हेयर ट्रांसप्लांट इसमें हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, लेकिन ग्राफ्ट बहुत कम लगते हैं, इसमें 1000-1200 ग्राफ्ट ही लगते हैं। ये कीयर कनाल से अगर आप ऊपर डंडी खींचें और उससे 2 सेंटीमीटर आगे जाएं, इस लाइन को ये रिसेशन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर इस लाइन को, जिसको मिड कोरोनल लाइन कहते हैं या मिड कोरोनल प्लेन कहते हैं, अगर उसको ये रिसेशन क्रॉस करके पीछे आ जाती है तो हम ग्रेड 3 बॉल्डनेस या टाइप 3 और नॉर्वुड स्केल बॉल्डनेस में आ जाते हैं। अब इसमें देखिए, आप जो रिसेशन है वो पीछे आ गई है, मिड कोरोनल प्लेन से टच करने लग पड़ी है, तो इसको हम ग्रेड 3 बॉल्डनेस कहेंगे। हेयरलाइन भी काफी पीछे रिसीड हो गई है, ये क्लियर कट इंडिकेशन है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। ये पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट होते हैं, क्लियर कट, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रेड 3 वर्टेक्स एक और क्लासिफिकेशन है, इसमें बॉल्डनेस पीछे क्राउन में आती है, आगे बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, आगे बिल्कुल आपका लग सकता है कि टाइप 2 है, लेकिन पीछे गंजापन है, क्राउन एरिया में गंजापन है, लेकिन इस गंजापन, जो क्राउन एरिया का गंजापन है, इसकी चौड़ाई 3 इंच से ज्यादा नहीं है, तो इसको ग्रेड 3 वर्टेक्स बोल सकते हैं। आगे चाहे नॉर्मल हो, पर सिर्फ अगर पीछे 3 इंच तक डायमीटर में बॉल्डनेस होती है तो उसको हम ग्रेड 3 वर्टेक्स बॉल्डिंग कहते हैं। आपके जो रिसेशन है प्लेन से पीछे नहीं है तो ये ग्रेड 3 पैटर्न बॉल्डनेस है। अगर आपकी जो रिसेशन है प्लेन से पीछे चले जाती है जैसे कि इसमें, तो ये ग्रेड 3 से ग्रेड 4 बॉल्डनेस में आ जाता है। अगर आगे की बॉल्डनेस ग्रेड 3 है, पीछे आपके जो बॉल्डनेस है क्राउन में वो 3 इंच के डायमीटर से बढ़ जाए, उसको भी हम ग्रेड 4 कहलाएंगे। तो ये भी ग्रेड 3 के जैसे क्लियर कट इंडिकेशंस हैं हेयर ट्रांसप्लांट के।
तो ये ग्रेड थ्री वर्टिक्स और ग्रेड फोर बॉल्डनेस क्लियर कट इंडिकेशन है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर हम आ जाते हैं ग्रेड फाइव क्या है और ग्रेड फाइव का और ग्रेड फोर का अंतर क्या है। अब ये है ग्रेड फोर और ये है ग्रेड फाइव। अब ग्रेड फोर में आप क्या देखोगे, ग्रेड फोर बॉल्डनेस में आगे की बॉल्डनेस और पीछे की बॉल्डनेस में 3 इंच के अच्छे घने बाल हैं। अगर ये 3 इंच से कम हो जाते हैं तो हम ग्रेड फाइव की टेरिटरी में आ जाते हैं, या अगर इस एरिया में बाल पतले हो जाते हैं या गंजापन शुरू हो जाता है, स्किन दिखना शुरू हो जाता है, तब भी हम ग्रेड फाइव में आ जाते हैं। जो क्राउन है वो काफी बड़ा हो गया है और क्राउन का जो मार्जिन है वो वर्टिकल प्लेन में अभी नहीं आया है। जब ये क्राउन का मार्जिन वर्टिकल प्लेन में आ जाता है और ये क्राउन इतना बड़ा हो जाता है कि वो सिर जो ऊपर का भाग है, सिर का जो हॉरिजॉन्टल भाग है, उससे हटकर नीचे डिप कर जाए और हॉर्स शू शेप पैटर्न बनना शुरू हो जाए, उसको हम ग्रेड सिक्स पैटर्न बॉल्डनेस कहलाएंगे। ये ग्रेड सिक्स नहीं है, ये ग्रेड सेवन है। इससे आप इमेजिन कीजिए ग्रेड सेवन जो ग्रेड सिक्स वाला था वो टूट गया। ग्रेड सिक्स में ये इतना डिप नहीं होता, थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन हॉर्स शू शेप पैटर्न बन जाता है। ग्रेड सिक्स पैटर्न में एक और खासियत है कि जो बीच में कनेक्टिंग पॉइंट है बालों का, जो ब्रिज है बालों का आगे की बॉल्डनेस और पीछे की बॉल्डनेस में, वो पूरा साफ हो जाता है और पूरा स्लिक बॉल्डनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं चांद निकल आना, पूरा चांद दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो उसको ग्रेड सिक्स पैटर्न कहलाते हैं। तो ये एरिया है ग्रेड सिक्स का, ये वाला हॉर्सशू पैटर्न, ऊपर कोई बाल नहीं और यहां तक आपके बाल हैं, इतने नीचे नहीं जाता ग्रेड सिक्स में। जब इतने नीचे चले जाता है तो उसको ग्रेड सेवन बॉल्डनेस कहते हैं। तो ये है ग्रेड सेवन बॉल्डनेस और ये है ग्रेड फाइव बॉल्डनेस। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के दरमियान है ग्रेड सिक्स बॉल्डनेस, जिसमें कि क्राउन इतना ही डिप होता है पर ये बीच के जो बाल हैं ये उड़ जाते हैं और हॉर्स शू शेप पैटर्न डेवलप हो जाता है, हॉर्स शू शेप पैटर्न प्रकट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चांद निकल आना, मतलब सिर चमकना। जब सिर पूरा चमकना शुरू हो जाता है उसको ग्रेड सिक्स पैटर्न कहते हैं। और ग्रेड सेवन पैटर्न है जब आपके बाल बहुत नीचे डिप हो जाते हैं, डोनर एरिया कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उसको ग्रेड सेवन बॉल्डनेस कहते हैं। इसमें भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है लेकिन इसमें हेयर ट्रांसप्लांट की काफी लिमिटेशंस हैं, बिकॉज एरिया बहुत बड़ा है और डोनर एरिया बहुत छोटा। ऐसे केसेस में और ग्रेड फाइव और ग्रेड सिक्स केसेस में भी बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट का काफी महत्व है और इनमें मेगा सेशंस होते हैं। इसके अलावा है ग्रेड टू ए, ग्रेड थ्री ए, ग्रेड फोर ए, ग्रेड फाइव ए। इनके बारे में और डिफ्यूज पैटर्न एलोपेशिया और डिफ्यूज अनपैटर्न एलोपेशिया के बारे में हम डिटेल में विस्तार पूर्वक अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब प्लीज कीजिए, ताकि आपको मेरे अपडेट्स जो हम वीडियोस बनाते हैं आपके लिए हर हफ्ते वो पहुंचते रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे या ना अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिएगा, ताकि हम अपने अगले वीडियो में वो सुधार ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।